सबसे पहले गाइज यहाँ पर एक इवेंट आने वाला है कैरम पूल के अंदर, जो कि बिल्कुल सही टाइम पर आ रहा है, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर कैरम पूल के अंदर जो सिनेमा पार्टी वाला जो मिनी गेम था, जो इवेंट था, वो दोबारा से आ चुका है, वापस आ चुका है वो। तो लगता है पिछली बार काफ़ी सारे लोगों ने एड्स देखे हैं, इसलिए मिनी क्लिप मतलब कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा बैठा है हम लोगों से। और मिनी क्लिप का तो हम लोग फ़ायदा कर रहे हैं, लेकिन मिनी क्लिप हमारा उल्टा नुकसान पे नुकसान किए जा रहा है। आप लोगों को पता है कल मैंने अपने चैनल से जो है ऐसा क्या हुआ था, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई तुमने अपनी सारी वीडियोस 500-600 वीडियोस थी जो कि मैंने डिलीट कर दी थी चैनल से। एक्चुअली गाइज मैंने उन सबको डिलीट नहीं किया था, मैंने सब वीडियोस को प्राइवेट कर दिया था, क्योंकि मेरे जो चैनल है उस पर मतलब मिनी क्लिप बैक टू बैक कॉपीराइट स्ट्राइक्स मार रहा था। अब मैंने दूसरे यूट्यूबर से पता किया तो किसी के चैनल पर एक स्ट्राइक थी और किसी के चैनल पर तो स्ट्राइक थी ही नहीं। तो पता नहीं मिनी क्लिप ने सिर्फ मेरा चैनल ढूंढा हुआ है और उसके ऊपर ढूंढ ढूंढ कर स्ट्राइक मार रहा है। और कल जो स्ट्राइक लगी है ना भाई मेरे चैनल पर, वो बहुत ही ज़्यादा मुझे उसने जो है ना वो मतलब मेरा मूड ख़राब कर दिया था, क्योंकि जो मतलब वन ऑफ दी बेस्ट वीडियो थी मेरे चैनल की, जिसको एक साल भी नहीं हुआ था और 7 लाख व्यूज़ थे। आप लोगों को याद है एम केरम वाली वीडियो थी, जो मैंने एम केरम का रिव्यू किया था और मेरे चैनल की मोस्ट पॉपुलर वीडियोस में भी वो पहले नंबर पर थी, उस वीडियो के ऊपर कल मिनी क्लिप ने स्ट्राइक मारा है, कॉपीराइट स्ट्राइक, और वो वीडियो मेरी डाउन हो गई। अब मैंने क्या किया कि इससे पहले कि कोई और मिनी क्लिप स्ट्राइक मारता, मैंने आल वीडियोज़ को जो है वो प्राइवेट कर दिया। अब गाइज मैं क्या करूँगा कि आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैं वीडियोज़ को देख, एक एक वीडियो को चेक करूँगा, पर्सनली रिव्यू करूँगा उनके टैग्स को, टाइटल्स को और वीडियो को। अगर मुझे शक 1% भी शक होगा कि इसके ऊपर मिनी क्लिप स्ट्राइक मार सकता है, मैं उस वीडियो को जो है वो अपलोड नहीं करूँगा दोबारा, उसको पब्लिक नहीं करूँगा, ठीक है। बाकी सभी वीडियोस प्राइवेट हैं। और आहिस्ता आहिस्ता रात ही मैंने 200 तक वीडियोस जो हैं वो दोबारा से पब्लिक कर दी थी। इनमें से कुछ न्यू अपडेट्स की थी, कुछ रिव्यूज़ की थी, कुछ कैरम पास की वीडियोस थी, वो मैंने पब्लिक कर दी थी। अब बाकी की वीडियोस जो है वो फ़िलहाल मैं नहीं करने वाला पब्लिक, जब तक कि ये मिनी क्लिप की स्ट्राइक्स जो हैं वो चैनल के ऊपर हैं। अब गाइस बात कर लेते हैं फ्री कैरम पास के बारे में। मैंने पिछले सीज़न का कैरम पास परचेज़ किया था, आप लोगों ने भी जिन लोगों ने किया हुआ होगा पिछले सीज़न का कैरम पास परचेज़, तो ये वाला आपको फ्री में मिल गया होगा, लेकिन मुझे नहीं मिला। नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने ट्रिक ही ट्राई नहीं की थी, मेरा बहुत ही पक्का इरादा था कि भाई मैंने फ्री कैरम पास लेना है। और जब मैं सुबह उठा तो 10 से 15 मिनट जो है वो हो चुके थे कैरम पास आए हुए, यानी कि मुझे 10-15 मिनट लेट हो गया और इसकी वजह से मैं कैरम पास नहीं ले पाया। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके लाजमी से बताना है कि किसने फ्री कैरम पास लिया है, कौन उठ नहीं पाया, ताकि मुझे भी पता चल सके कि कितने सारे लोगों को फ्री में मिला है कैरम पास। और अभी अच्छा मैं एक इवेंट के बारे में बताना भूल गया कि जो मतलब कैरम फेस्टिवल, कैरम पास फेस्टिवल का जो इवेंट आता है जिसके अंदर हमें डबल पॉइंट्स मिलते हैं, अक्सर वो जो है कैरम पास एंड होने के टाइम पर आता है, आखिरी 6-7 दिनों में या 4-5 दिनों के अंदर वो आता है। लेकिन इस बार जो है वो इवेंट आज से ही स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ गाइज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जो कैरम पास फेस्टिवल वाला जिससे हमें डबल पॉइंट्स मिलते हैं वो आज से स्टार्ट हो जाएगा। और आप जो है अभी से अपना कैरम पास अगले 7 दिनों के अंदर मैक्स कर सकते हैं, 6 से 7 तारीख तक वो इवेंट हमारे पास रहेगा। तो आई होप आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर न्यू हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।